4 जून से 20 जुलाई विरोध के बाद भी यूपी में जबरदस्त हो रही कार्रवाई, अभी जारी है योगी की कड़ाई। 20 जुलाई से आगे की भी योगी ने स्क्रिप्ट तैयार कर ली। योगी का रथ रुकेगा नहीं, फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं योगी। योगी की हिम्मत और हौसले के आगे पस्त हो गए विरोधी, बैक फुट पर चले गए विपक्षी। योगी के कड़े फैसलों ने देश की सरगर्मी बढ़ा दी। पीछे बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है योगी। डंके की चोट पर हर विरोधी का सामना करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री। प्रदेश के भविष्य के लिए लगातार तत्पर काम में लगे हैं सीएम योगी। योगी को हार वाले किरदार में फिट करने वालों की एक नहीं चली, मनमानी करने वालों को योगी ने फिर धूल चटाई। उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव, योगी की नहीं कर सकता कोई भी बराबरी। जी, लोकसभा चुनाव में यूपी की हुई हार के बाद से जैसे सब योगी पर सवार होने लगे हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिस पर पूरे देश की निगाह रहती है, उसको ब्लेम करने में लगे हैं, यूपी की हार के लिए उसको जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। लेकिन योगी ने भी बता दिया है कि मैं योगी हूँ जो किसी से नहीं डरता, किसी के आगे नहीं झुकता, गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखता हूँ। तभी तो 4 जून से 20 जुलाई, अभी सिर्फ 45 दिन का ही समय बीता है और इन 45 दिन में योगी ने सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बता दिया है कि यूपी को लीड सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं। यूपी का उपचुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा? क्या विधानसभा चुनाव तक कमान किसी और के हाथ में होगी? इन सब अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए योगी ने दिखा दिया है कि यूपी को उनसे बेहतर और कोई नहीं संभाल सकता। सिर्फ 45 दिन का वक्त और योगी की स्क्रिप्ट ने ऐसा जबरदस्त काम किया है कि यूपी की पूरी कहानी ही बदल डाली है। खामियों पर भी काम हो रहा है, प्रदेश के विकास के लिए भी काम हो रहा है, गलत करने वालों को सीधा भी किया जा रहा है और कावड़ियों के लिए भी विशेष इंतजाम हो रहा है। और तो और, विरोधियों के मुंह को कैसे सिलना है इसकी भी व्यवस्था योगी की तरफ से कर दी गई है। मतलब ये कि जिस किसी ने भी योगी को हारा हुआ साबित करने का नैरेटिव सेट किया था, वो बस हाथ मलते रह गए हैं और योगी फिर ऐसे नेता बन गए हैं जिनका जिक्र सिर्फ उनके प्रदेश में नहीं होता बल्कि उनकी पहुंच देश से भी आगे है। पूरे देश में योगी के नाम की चर्चा है। योगी ने ऐसे दो कड़े फैसले ले लिए हैं पिछले 45 दिन में। अकबर नगर का सफाया कर सौमित्र वन बसाया, कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट ना हो इसके लिए महत्वपूर्ण फरमान सुनाया। यूपी की राजधानी लखनऊ पर बसी कुकरेल नदी को पाट कर जिस तरह से वहां पर अकबर नगर बसाया गया था, योगी ने पिछले 45 दिन के वक्त में अकबर नगर को पूरी तरह से साफ भी कर दिया है। वहां सौमित्र वन भी स्थापित कर दिया है। वहां जल्द नाइट सफारी का काम भी शुरू होने वाला है। और इस सब के लिए ऐसा नहीं है कि योगी ने किसी को भी उसके घर से बाहर किया है या किसी को बिना आशियाना के सड़क पर छोड़ दिया है, बल्कि बकायदा आवास का इंतजाम किया गया है। अकबर नगर से हटाए गए 2100 परिवारों को घर दिया गया है, जिनमें से 1800 परिवारों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। चलिए बताते हैं आपको अकबर नगर का सच। 2100 परिवारों को नए आवास दिए गए, जिनमें से 1800 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिला है। गरीब परिवारों को मुफ्त में घर दिया गया है, बाकी बचे लोगों के लिए बिना ब्याज के किश्त का इंतजाम किया गया है। सोचिए, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में अपनी गुजर बसर कर रहे थे, योगी सरकार ने उन्हें पक्के मकान देने का काम किया है। जो भी दिक्कतें हैं उन सबको दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी की है। जल्द रोजगार कैंप्स भी लगाए जाएंगे। योगी के इन सभी कदमों से अभी तक जो कोई भी योगी की हार वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगा था, योगी को हारा हुआ बता रहा था, वो एकदम से चुप हो गया है, जैसे अंधे मुंह गिर पड़ा है। शायद देख लिया है कि ये योगी है और योगी से भिड़ना खतरे से खाली नहीं है। और अब 45 दिन में योगी के तहलका मचाने वाले दूसरे फैसले की भी बात कर लेते हैं। असली नाम उजागर करने वाला फैसला, क्योंकि योगी ने कावड़ यात्रा से पहले यह सुनिश्चित कर लिया है कि अगर यूपी में असली नाम और पहचान छिपाई जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन क्या कर रहा है इससे योगी को मतलब नहीं है, लेकिन नाम बदल कर हिंदुओं की आंख में जो धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, योगी को इससे आपत्ति है और विरोधियों को योगी की इस आपत्ति से आपत्ति है, योगी के फैसले से आपत्ति है। तभी तो योगी के खिलाफ इस वक्त खूब माहौल बनाया जा रहा है, योगी को गलत ठहराया जा रहा है, योगी को हिंदू मुस्लिम करने वाला बताया जा रहा है।
महबूबा मुफ्ती ने योगी के फैसले को पीएम मोदी से जोड़ दिया है। उनसे सवाल किया है कि योगी के इस फैसले पर मोदी चुप क्यों हैं? इसे भी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कदम बता रही हैं महबूबा मुफ्ती। लेकिन योगी के इस फैसले की तरफदारी करने वालों की भी कमी नहीं है, जो कोई भी श्रावण मास में इस कांवड़ यात्रा के महत्व को, इसकी पवित्रता को समझता है, वो योगी सरकार के फैसले को नकार नहीं सकता। हरिद्वार में पहचान बताने वाला आदेश लागू किया गया है, पूरे उत्तराखंड में पहचान बताने वाला फैसला लागू किया गया है। हरियाणा के सीएम सैनी ने भी योगी के इस फैसले की दिल खोलकर तारीफ की है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा यूपी से होते हुए हरिद्वार जाती है और फिर इसी रास्ते लौटती भी है। यूपी में करोड़ों भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं और फिर गंगा जल लाकर अपने घर के पास के मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। योगी देश के एक ऐसे नायक है जिन्होंने 26 साल देश की राजनीति को दिए हैं। 5 बार सांसद चुने गए हैं, 2 बार सीएम बने हैं, यूपी के सबसे बड़े लीडर कहलाते हैं। लेकिन इतने सालों में कभी भी अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया, कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया। कोई भी चीज योगी के लिए या तो सही होती है या फिर गलत, या तो ब्लैक या फिर व्हाइट। ग्रे जैसा कोई कलर योगी की डिक्शनरी में नहीं है। यही योगी की यूएसपी है, यही योगी को बाकी देश भर के सभी लीडर से अलग बनाता है, योगी को भीड़ में सबसे अलग दिखाता है। वैसे पिछले 45 दिन में योगी ने जो 2 बहुत बड़े बड़े काम निपटाए हैं, जिस तरह से योगी ने अपनी कार्यशैली का फिर एक बार परिचय दिया है और विरोधियों को मुंह के बल गिरा दिया है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।